आज का शुभ संदेश शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे करें, बहुत ही सुंदर विषय है कि हमारे भीतर जो प्रभु जो आत्मा विराजमान है वह एकदम शुद्ध अवस्था के अंदर है। वो तो मुक्ति जाने वाली है लेकिन उसको अज्ञान ने बांध रखा है। उसकी अज्ञान की वजह से जो है हमको ये कारण शरीर मन वचन काया रूपी मिला है, राग द्वेष से जनित ये हमको मिला है। लेकिन हमारा लक्ष्य हमारा मुख्य कार्य है खुद की पहचान करना। मैं कौन हूं इसकी पहचान करना। इसकी पहचान करने का अर्थ ये हुआ कि अपने आप का अनुभव करना, अपने स्वयं के मकान में रहना, अपने घर में रहना। अब ये अनुभव हम कैसे करें, देखिए इसके अनुभव करने के लिए आप मन वचन काया से मुक्त होकर के भेद विज्ञान कीजिए कि ये जो मन वचन काया है ये तो जड़ है, ये इसके साथ में तो पूरी स्वतंत्रता है, ये तो अपना कार्य करता रहेगा, इसमें मुझे एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मैं स्वतंत्र किस में हूँ, मैं मेरे अस्तित्व में स्वतंत्र हूँ, मैं मेरी आत्मा के निरीक्षण के अंदर स्वतंत्र हूँ। उसका अनुभव करने के लिए जो आत्मा का लक्षण है सचिदानंद, वो गुणों को देखो। सत का अर्थ होता अविनाशी और चित का मतलब होता है ज्ञान दर्शन वाला। हमारा आत्मा अविनाशी है, वो ज्ञान दर्शन वाला है और इसका लक्षण है आनंद, यानी अपने भीतर आनंद की अनुभूति करो। या जो आनंद का दरिया बह रहा है, आनंद का झरना स्रोत हमारी आत्मा में है, उसको रियलाइज करो, उसको एहसास करो। इसके लिए हमारा चिंतन काम नहीं आता है, मात्र एहसास काम आता है।